जो हमने बहुत सारी समितियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने इसका क्या काफी सुधार किया, किस तरह से आया। अब इसी तरह से अगर किसी ऑर्डर में आगे बढ़े तो हमने देखा पंचायती राज सबसे पहले कहां आया, तो इसी तरह से हम देखेंगे नगर पालिका कहां सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ। तो अगर आप एक बार कंपैरिजन एस्टैब्लिश करके पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो चीजें भूलेंगे नहीं। जैसे आपको देखा अच्छा उसका ये तो इसका ये होना चाहिए, तो इसलिए यही सही है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन तो है ही। फिर कहना संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। How many number of items have been added by 74th amendment of the constitution? तो आपको बता दें ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है, 18 आइटम्स ऐड किए गए हैं। ठीक है 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफी आसान था ये भी। 384 कह रहा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किसका मेल सही नहीं है। तो आपको पता मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है, हमने हमेशा पढ़ा है 12 से 35 हाँ है। फिर हमने देखा नीति निदेशक तत्व, तो क्या है नीति निदेशक तत्व, नीति सिद्धांत स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या अनुच्छेद 36 से 51 है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो राजभाषा वाला भी एकदम सही है, बस ये गलत है थोड़ा सा।